शादी का प्रेशर आ जाए स्ट्रगलिंग पीरियड के तब शादी करो क्या दिक्कत है शादी का प्रेशर आ गया या तो कर लो या मना कर दो फिर भी प्रेशर तो पुलिस को फोन करो सर एक डर होता है हम कोई भी काम करते हैं थोड़ी सी घबराहट जरूर आती है एक डर होता है अब जैसे छोटा सा बच्चा होता है उसको कुछ नहीं पता होता वो चलता है गिर जाता है उसको आगे का नहीं पता होता पर वो ट्राई करता है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर वो इंक्रीज होता जाता है हेजिटेशन डर तो हम कैसे उसको कंट्रोल करें सो योर क्वेश्चन इज के जो हमारे अंदर फियर है और फियर बहुत तरह के हैं कितने तरह के फियर्स होंगे हमारे अंदर अनलिमिटेड मतलब जितनी प्रॉब्लम्स उतने डर है ना तो अब इस फियर को हम ओवरकम कैसे करें सो आर वी आस्किंग अबाउट अ पर्टिकुलर फियर रिलेटेड टू समथिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट फियर इन जनरल इन जनरल तो कितने लोग चाहते हैं आज के सेशन का टॉपिक हो प्लीज हैव अ सीट प्लीज हैव अ सीट हाँ आप क्या ऐड करना चाहते हो इसी टॉपिक में ऐड करना चाहते हो हाँ बोलिए एडिंग टू व्हाट शी सेड फियर यस वी हैव लॉट्स ऑफ फियर बट समवेयर आई फील दैट फियर इज बेसिकली ऑफ द सेल्फ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ इन दी सोसाइटी सोसाइटी क्या सोचेगी अगर मैं ये कर रही हूँ तो सोसाइटी क्या कहेगी कोई लड़का अगर कुछ करना चाहता है सो आई मीन नॉट जस्ट गर्ल्स लाइक गर्ल्स हैव डिफरेंट फियर्स बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेशन तो इवन इफ समवन वॉन्ट्स टू मूव बी इट अ गर्ल और बी इट अ बॉय बी इट अ चिल्ड्रन और वॉट्स एवर एवरीवेयर देयर इज अ बैरियर ऑफ आई मीन यू डू यू कैन नॉट डू वॉट यू वॉन्ट It's like acceptance of the society. Till the acceptance, you don't have an acceptance, you will not do that thing. आप ये कह रहे हो कि हमारे अंदर डर है कि लोग क्या कहेंगे ये एक डर है इस तरह के और बहुत सारे डर हैं तो पॉइंट यही आ गया कि ये डर क्या है क्योंकि अगर हमको समझ आ गया डर क्या है तो उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है देयर इज नो प्रैक्टिस नीडेड आग जलाती है ये पता है आपको क्या आपके अंदर आग का डर है या ये नॉलेज है कि आग जलाती है डर क्या करेगा आपको अननेसेसरी पैरालाइज्ड कर देगा लाइफ में कुछ भी करने नहीं देगा जैसे बीइंग अ फीमेल जैसे आप कह रहे हो कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि अभी भी है काफ़ी हद तक क्योंकि मेंटालिटी वही पुरानी है जो धीरे धीरे चेंज होगी ये एक या दो दिन में चेंज नहीं होगी इट टेक्स टाइम धीरे 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 अब चेंज हो रहा है बहुत कुछ चेंज हो गया है बड़ी सिटीज़ में चेंज हो गया है धीरे धीरे और भी जगह पर चेंजेस हो रहे हैं बट ये डर है हमारे अंदर कि अगर मैं सबसे यानी कि सोसाइटी से अलग जा करके कुछ करूंगी तो क्या होगा ये डर है तो क्या ये अच्छा है आपके लिए हाँ ये कह सकते हो कि सोसाइटी के लिए अच्छा है क्योंकि वो जो चाहती है उनका तो काम हो रहा है समझ गए ना हाँ आपके घर वालों के लिए अच्छा है क्योंकि वो आपको डर से कंट्रोल कर पा रहे हैं लेकिन क्या आपके लिए अच्छा है आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपके गले पे एक तलवार लटका दी जाए कि अगर आपने कोई भी गड़बड़ करी तो आपको निकाल देंगे इस कंपनी से उसकी वजह से क्या हो रहा है आप डर करके काम कर रहे हो लेकिन डर करके कर रहे हो तो ये उस कंपनी के लिए तो अच्छा है समझ गए क्या आपके लिए अच्छा है और इसको और थोड़ा सा डीपली इसको टच अगर करना है आज के सेशन को विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन आई एम नॉट टू श्योर कि आप लोग मेरे साथ साथ में वहां तक चल पाओगे या नहीं चल पाओगे क्योंकि इस तरह से सोचने की हमारी आदत नहीं है देखो एक है तरीका हाउ टू में जाने का ठीक है क्योंकि हमारा माइंड सबका यही चलता है हाउ टू जो फिजिकल वर्ल्ड है ना वहां पर हाउ टू जरूरी है साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में हाउ टू नाम की कोई चीज नहीं है ये आई एम नॉट टू श्योर आप लोग पकड़ पाओगे इन बातों को या नहीं पकड़ पाओगे बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ डीपर लेवल आपके अंदर गुस्सा है ठीक है और आप मुझसे पूछ रहे हो हाउ टू कंट्रोल माई एंगर बताओ कोई रास्ता है आप मुझसे पूछते हो मेरे को गाड़ी नहीं चलानी आती है और आप मुझसे पूछते हो हाउ टू ड्राइव दिस कार तो मैं कहूंगा यहां पर जाओ इस इंस्टीट्यूट में जाकर के गाड़ी सीखो और ड्राइव करो बट आपके अंदर गुस्सा है किस वजह से गुस्सा है कितना गुस्सा है कब से गुस्सा है उसका रीजन क्या है वो लॉजिकल है या नहीं है कोई हो सकता है जेन्युइनली आपका टॉर्चर कर रहा हो फिजिकल लेवल पे उसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा है तो वो गुस्सा होना भी चाहिए और मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप कंट्रोल करो देयर इज नो हाउ टू इन दैट स्पेस You need to understand what the situation is and act accordingly. ये सही तरीका होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे हम करने का लेकिन गड़बड़ क्या होती है हमारी आदत ये पड़ी हुई है हाउ टू तो हम
साइकोलॉजिकल स्पेस में भी हाउ टू लगाने की कोशिश कर रहे हैं. फिजिकल में चाहिए, आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्या करना है, हाउ टू, आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये बुक्स पढ़नी है, इसको अच्छे तरीके से ये करना है, वहां पे जाकर के लिखना है एग्जाम के अंदर, वहां पे हाउ टू चलेगा. बट फियर में आपको डर लगता है किसी चीज से, हाउ टू ओवरकम योर फियर, बताओ जी. जैसे कि एक भूत आपको दिख रहा है, आप पूछ रहे हो कि हाउ टू ओवरकम दैट घोस्ट. एक ये तरीका हो सकता है, एक ये हो सकता है, व्हाट इज घोस्ट, भूत होते हैं नहीं होते हैं, भूत क्या होता है, भूत है भी या नहीं है, समझ गए, इन दोनों का फर्क समझ आ रहा है. हाउ टू ओवरकम घोस्ट में मैं क्या करूंगा, आपको टिप्स दूंगा कि ना वो एक जो हॉरर मूवीज होती हैं जिसमें जिस दिखाते हैं कि अपने गले में यहाँ पे क्रॉस पहन लो, है ना, हाथ में यहाँ पे ओम बनवा लो और ऐसे भूत को दिखा दो, उसमें से कुछ शक्तियां निकलेंगी और भूत मर जाएगा, ठीक है. तो ऐसे ऐसी में कुछ चीजें आपको, ये ताबीज पहन लो, व्हाटएवर, या झाड़ा लगवा लो, हनुमान चालीसा जेब में रखो, रट ही लो ना, जैसे भूत दिखे हनुमान क्या, भूत का एंटरटेनमेंट हो जाएगा आपका, होना हो भूत कहेगा ये बंदा सही है यार, हाँ इसके साथ खेलते रहो. तो ये एक तरीका है, सुबह से रात तक आप जो भी कुछ करते हो बस इस हाउ टू में ही फंसे रहते हो. Nobody in this world ask this question, what is fear? ना आपके घर में कोई ये बात करेगा, ना कॉलेज में, ना यहाँ पे, ना अच्छा डर लग रहा है, अरे डरने की क्या जरूरत, आकर के आपको एडवाइस दे देंगे. उनको उसी सिचुएशन में डाल दो, वो डर जाएंगे. जैसे आपके पेरेंट्स कहेंगे कि भाई एग्जाम से क्यों डर रहा है, राइट उनको बोलो आप दे दो ना एग्जाम, आप मत डरना. जब तक हम किसी चीज को समझ नहीं लेते, उसका अच्छा बुरा नहीं समझ लेते उसको, तब तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये बात सही है कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि डर है क्या चीज, डर है क्या. दिस इज सो इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसी चीजों में मजा आता है. मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन यू बी एब्सोल्युटली फियरलेस? हाँ देखो काम ही खत्म हो गया. काम खत्म. You are saying you can't be absolutely fearless. मतलब you are accepting fear. वो fear जो आपको बांध देता है. ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. ये किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. यही नहीं है आपकी life सुबह से रात तक. देखो आराम से observe करो. डर आपको बांध रहा है, ये बात आपको साफ नजर आ रही है. अगर थोड़ी सी भी अकल है तो आप देख सकते हो. जो आप करना चाहते हो आप नहीं कर पा रहे डर की वजह से, और जो आप कर रहे हो बिना मन के फिर भी करना पड़ रहा है, ऐसे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं जो आप नहीं लेना चाहते हो फिर भी ले रहे हो डर की वजह से. ये सच है झूठ है? तो व्हाट इज फियर? मैं पूछ नहीं रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ. मैं आपको पहले पूरी तरीके से तैयार कर रहा हूं ताकि हम लोग पहले एक लेवल पे आए, फिर आराम से चलेंगे. जल्दीबाजी मत करो, अपने अंदर ही अंदर मत बोलो, जितना अंदर बोलोगे उतना ही बाहर बोलोगे. पेशेंस रखो थोड़ा सा. व्हाट इज फियर? क्या डिजायर ही फियर की जड़ नहीं है? क्या अटैचमेंट फियर की जड़ नहीं है? क्या आप अपने डिजायर्स को छोड़ने के लिए तैयार हो? तो फियर्स को कैसे छोड़ोगे? बात समझ आई? आपके अंदर डिजायर है एक एग्जाम को क्रैक करने का. जितना डिजायर है उतना ही डर है. ये सच है झूठ है? आपको जिस इंसान से जितनी अटैचमेंट है उसको खोने का उतना ही डर है. किसी इंसान से कोई अटैचमेंट नहीं है उसको खोने का डर है. कितने लोग अभी मर रहे हैं इस दुनिया में, अलग अलग जगह पर, कहीं कोई अर्थक्वेक आ रहा है उसका डर है. क्यों नहीं, लोग तो मर रहे हैं वहां पर भी. मेरे घर में अगर अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, वो डर है ना. अब एकदम से आगे छलांग मत लगाना, तो अब क्या करें इसका मतलब अटैच ही ना हो. मुझे पता है आप लोगों का माइंड कैसे चलता है. हारा ऐसे ऐसे चीजें माइंड में आ रही है. हाँ क्या करें क्या नहीं वो बात का स्टेप है, पहले समझ तो आए कि डर है क्या, तभी तो कुछ कर पाओगे. आपके अंदर किसी चीज को आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, किसी भी चीज को, तो उसको खोने का डर होगा ही होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो. समझ गए? आपके अंदर डिजायर है कि मेरे को इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका डर होगा.
जिसको नहीं क्रैक करना है उसके अंदर डर है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? तो क्या डिजायर और फियर एक ही नहीं है? क्या ये दोनों अलग अलग हैं? एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है? उसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव है, बट एक ही सिक्के के दो पहलू है. तो अब क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? क्या डिजायर नेगेटिव नहीं है? क्योंकि डिजायर की वजह से तो फियर आ रहा है. डिजायर नहीं तो फियर नहीं. सर, जैसे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारा प्रिजन हो जाता है, हम लोग बन जाते हैं. जो चीज सिक्योर करी है वही तो हमें कैद भी कर रही है. उसी तरह जहाँ पे डिजायर है वहां पे फियर भी होगा. तो अगर किसी में बहुत ज्यादा डिजायर होंगे तो उसके अंदर कितने डर होंगे? किसी के अंदर कोई डिजायर नहीं होगा तो उसके अंदर कितने डर होंगे? अब आप अपने आप के अंदर झांक करके देख सकते हो आपके अंदर कितने डिजायर्स हैं, कितनी अटैचमेंट्स हैं. जितनी अटैचमेंट्स हैं, जिन जिन चीजों से जितनी जितनी अटैचमेंट्स हैं, जिन जिन लोगों से जितनी जितनी अटैचमेंट्स हैं, उतने ही तरह के आपके अंदर डर हैं. तो अब आपको ये नहीं सवाल पूछना है, मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है, इसका मतलब अटैच ही ना हो, इसका मतलब अलग हो जाए, ये हो जाए. क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो? जहां अटैचमेंट है वहां फियर है, ये सच है या झूठ है? जितना अटैचमेंट है उतना फियर है. अभी एक करके आगे चलेंगे, आराम आराम से, थोड़ा पेशेंस रखो. यहां तक तो हम सब एग्री कर रहे हैं. सर बताइए. सर, जैसे आप कह रहे हैं डिजायर तो डर है हमारे पास, पर डिजायर नहीं करेंगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे. फिर देखो छलांग मार रहे हो. मैं क्या बोल रहा हूं, तो रखो अपने अंदर डिजायर और साथ में डर भी रखो. और जिसको आप सक्सेस बोल रहे हो अब पता नहीं वो क्या है. आप समझ रहे हो क्या? वो सक्सेस जब आपको मिलेगी, जिसको भी आप सक्सेस बोल रहे हो, कि आज आपकी मान लो सैलरी है 20,000 रुपए, आप कहोगे 50,000 रुपए मतलब सक्सेस. तो उस 50,000 रुपए की सैलरी को खोने का, उस जॉब को खोने का डर भी उतना ही बड़ा होगा. तो लाइफ जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ेगी तो डर बढ़ने वाला है कम होने वाला है? तो आप और ज्यादा पैरालाइज होने वाले हो. अभी तो फिर भी आप लोगों की एज है, आप समझ गए. आप चाहो तो फियरलेसली एक्ट कर सकते हो. जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, अभी आप लोगों की एज क्या है, 22 से 25 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मोस्ट ऑफ यू आर नॉट मैरिड एज येट. कितने हैं जो अनमैरिड है, देख लो. हाँ, तो अभी तो आप बच्चे हुए हो, मतलब समझ गए. अभी भी अगर आपके अंदर इतने डर हैं, तो आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद आप कैसी जिंदगी जी रहे होगे वो आप सोच सकते हो. ऐसी जिंदगी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना है. अगर चाहिए आपके तो हाँ ठीक है, क्या और बढ़ दो, सभी तो ऐसे चल रहे, चलते रहो. चलते रहो, जिंदगी काटनी तो है काट लेंगे, डर डर करके जीते रहेंगे. एक काम पसंद नहीं है फिर भी करते रहेंगे मरते दम तक. ऐसी जिंदगी जीना समझदारी है किसी भी एंगल से, या बेवकूफी है? तो क्या बेवकूफ नहीं हो? बैठ जाओ. तो जितनी अटैचमेंट्स उतने ही डर. अटैचमेंट हमारी किससे होती है, कभी सोचा है? क्या आपकी कभी काम से अटैचमेंट होती है, या काम से जो मिलने वाला है उससे अटैचमेंट होती है? अगर काम से अटैचमेंट हो जाए तो क्या होगा? आराम से सोचो. किसी के अंदर भी पढ़ने का डर होता है या फेल होने का डर होता है? तो क्या हो आपको अगर किसी काम से प्यार हो जाए तो? सर, इज लव इज द वे टू ओवरकम फियर. देयर इज नो अदर वे. लव इज द ओनली वे. वेयर देयर इज नो फियर, वेयर देयर इज लव देयर इज नो फियर. हाँ, हम क्या करते हैं, लव को भी हमने जाकर के जोड़ दिया अटैचमेंट से. हम सोच रहे हैं कि लव होने के लिए अटैचमेंट होनी बहुत जरूरी है, जबकि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है. वेयर देयर इज अटैचमेंट देयर इज फियर, वेयर देयर इज फियर देयर इज नो लव. कड़वा लगेगा ये सब सुनने में. माँ बाप कहते हैं हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. क्या प्यार है? स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, स्ट्रेस है या नहीं है उनके ऊपर, प्रेशर है या नहीं है, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कौन पीछे से उनके पीछे प्रेशर क्रिएट कर रहा है? उनके माँ बाप, वो माँ बाप जो कहते हैं कि हम बड़ा प्यार करते हैं अपने बच्चों से. अगर आप एक्चुअल में प्यार करते हो तो क्या कभी ऐसा करोगे? आप उनसे अटैच्ड हो, जिसकी वजह से आपको डर है कि मेरा बच्चा अगर ये नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा. अगर आपको प्यार होगा तो आप क्या कहोगे? जहाँ जो करना है कर. हाँ, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, मैं तो एक लेवल पे आ गया, तेरी पूरी की पूरी लाइफ आगे पड़ी है,
जा अपना रास्ता खुद बना। आपको समझना पड़ेगा कि प्यार क्या है, अटैचमेंट क्या है। क्या अटैचमेंट प्यार है? जहां पर अटैचमेंट होती है वहां पर प्यार होता है। आप किसी इंसान से अटैच हुए पड़े हो बुरे तरीके से, क्या आप उसको जेन्युइनली प्यार करते हो? व्हाट इज लव? क्या प्यार कब्जा करना है? अटैचमेंट का मतलब ही कब्जा है। आई एम अटैच टू माई कार, क्यों? क्योंकि वो कार मेरी है, तो अब मैं उसको जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊं, तो बीवी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये प्यार है। ये प्यार ये है कि वो होना चाहिए जो उसके लिए सही है, वो नहीं जो मुझे लगता है कि उसके लिए सही है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे किस बेस पे लगता है कि उसके लिए वो सही है? अपने अनलिमिटेड फियर्स के बेस पे, कि अगर ये नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। अगर एक्चुअल में आप फियर से पूरी तरह से फ्री होना चाहते हो तो सिर्फ एक तरीका है, दैट इज लव, देयर इज नो अदर। इफ यू रियली लव समथिंग, लव डूइंग समथिंग, उसके लिए फिर अगर आपको टॉर्चर भी सहना पड़ रहा है तो वो टॉर्चर भी अच्छा लगता है। यानी कि अगर पढ़ना भी पड़ रहा है तो पढ़ाई भी अच्छी लगती है, अगर आपको उस काम से प्यार है तो।